नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं जेके न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। तो अखिलेश यादव के बाद सपा विधायक आशुतोष सिन्हा का भी विवादित बयान आ गया है। जी हां, उन्होंने भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन बीजेपी की है, नपुंसक न बना दे कहीं। समाजवादी पार्टी के MLC आशुतोष सिन्हा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा, हो सकता है कि लोग बाद में कह दें कि वैक्सीन जनसंख्या को कम करने के लिए दी गई है। कुछ भी हो सकता है, ये भी संभव है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद लोग नपुंसक हो जाएं। कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के वैक्सीन न लगवाने के बयान के बाद उनकी पार्टी के विधायक आशुतोष सिन्हा ने विवादित बयान दे दिया है। सपा MLC आशुतोष सिन्हा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा, कोविड-19 की वैक्सीन में कुछ तो ऐसा है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है कि लोग बाद में कह दें कि वैक्सीन जनसंख्या को कम करने के लिए दी गई है। कुछ भी हो सकता है, ये भी संभव है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद लोग नपुंसक हो जाएं। इस प्रकार से आपको बता दें कि वैक्सीन के ऊपर सियासी जो घमासान है वो काफी तेज लग रहा है। मिर्जापुर के सपा के लोहिया ट्रस्ट पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक में आशुतोष सिन्हा ने कहा, अगर अखिलेश यादव ने वैक्सीन न लगवाने का ऐलान किया है तो इसमें गंभीरता जरूर होगी और उन्होंने तथ्य के आधार पर ही कहा होगा। आशुतोष सिन्हा ने कहा, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। ऑक्सीजन के अभाव में गोरखपुर में बच्चे मर गए, जो प्रदेश मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, और वहाँ 2-4 दिन पहले वह दौरा करके आए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा था, मैं अभी टीका नहीं लगवाने जा रहा हूं। मैं बीजेपी के टीके पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? अब जब हमारी सरकार आएगी सभी को फ्री वैक्सीन लगवाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच व बीजेपी सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप पड़ी रही है। हम बीजेपी की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इस प्रकार से बयानबाजी आ रही है कोरोना वैक्सीन के ऊपर। आशा करते हैं आपको खबर पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ बने रहिए JKN News के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।